नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ से। दोस्तों, लगभग ये कि सभी राजनीतिक दलों का सीट का बंटवारा और सीट का जे कि कंफर्म जे कि होना लगभग लगभग अंतिम चरण में जे कि चल रहा है, और पहले चरण का जे कि नामांकन जे कि समाप्त भी हो गया, और जगह जगह से प्रत्याशी जे कि अपना जिनका सीट जे कि मिल चुका था, वो जे कि अपना नामांकन जे कि पहले चरण के लिए जे कि कर दिए। लेकिन अब दूसरे चरण की जे की बात है, कल क्या होगा इसके बारे में विशेष रूप से किसी को जे की मालूम नहीं चल पा रहा है। इसके पीछे रीजन है कि कुछ लोग जे की इस बात को कंफर्म होने देना नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग जे की जानते हुए भी इस चीज को इग्नोर जे की किया जा रहा है। महंगाई मुद्दा है, इस पर जे कि किसी का फोकस जे कि नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की घोटाला जे कि है, वो उस पर जे कि दबाव देने के लिए, उसको ढकने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे को जे कि अपनाई जा रही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश या बिहार या तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र जे कि सब जगह से पहले चरण का मतदान जे कि पहले चरण का जे कि नामांकन जे की प्रक्रिया समाप्त हो गई, और उस पर जे कि अपना चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहला जे कि मोदी जी उतर चुके हैं, और जे कि हो सकता है कि कल उनके साथ जे कि जयंत चौधरी, उन जे कि लेडी को जे कि भुला करके, जैसे कि कहा जाए जो महिला पहलवान थी उनको भूल करके, जाट समुदाय से थी उनको जे कि भूल करके, और आरएलडी के जयंत चौधरी मोदी जी के साथ में स्टेज शेयरिंग जे की करेंगे, उनको जे की इस बात की जे की खुशी जे की होगी या नहीं होगी, आप जरूर हमें जे की बताइएगा। दोस्तों, जो अपने समाज से, अपने समाज के लिए जे की लड़ता है, वह अपने समाज के बारे में जे की बात को रखने का प्रयास जे की करे तो अच्छा जे की होगा, लेकिन अब देखना होगा कि जयंत चौधरी ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों, दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में जिनको सीट मिला उन्होंने नामांकन जे की किया, पहला चरण का नामांकन जे की खत्म हो गया, दूसरे चरण का जे की है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश से जे की क्लियरिटी जे की क्लियर नहीं हो रहा है कि बीएसपी का जे की कौन सा कैंडिडेट जे की पहले चरण में पूरा जे की नामांकन हो गया या बाकी है। दोस्तों, मैं बात करूं कि अभी क्या बताया जाए, चैनल पर जे कि इतनी जे कि प्रॉब्लम जे कि आ रही है, जिसका जे कि हिसाब लगा पाना जे कि बहुत मुश्किल हो रहा है। यह जे कि इस टाइम जो हमारा चैनल है एक कठिन दौर से जे कि गुजर रहा है, हालांकि एक्चुअली जे कि सभी के पास जे कि कुछ ना कुछ जे कि प्रॉब्लम आई है, लेकिन इस चैनल पर जे कि ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यूट्यूब टीम जो है उनसे जे कि मैं जे कि यह कहना चाहता हूँ कि यह बताएं कि किसी के बारे में राजनीतिक जे की बात करेंगे तो के पक्ष दो होता है, एक पक्ष एक विपक्ष। अगर जे की पक्ष से हैं तो विपक्ष पर प्रहार करना जे की बनता है, अगर जे की विपक्ष में है तो पक्ष पर जे की प्रहार करना बनता है। अगर इसमें जे की किसी का नाम लेकर के जे की बात नहीं किया जाएगा तो फिर जे की कैसे जे की बातें बन पाएगी, और इस चीज को यूट्यूब टीम को समझना चाहिए कि अगर जे की बात कही जा रही है तो फिर उस चैनल पर जे कि दिक्कत क्यों जे कि हो रहा है। वो दिक्कत जे को हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मुझे कुछ दिन पहले जे कि एक मैसेज आया था कि आपको चैनल को डिलीट करवा दिया जाएगा, लेकिन वैसे तो संभावना नहीं है। लेकिन अभी अगर जे कि मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि अगर जे कि मोदी जी के नाम लेकर के कोई जे कि वीडियो बनाई जा रही है, या राजनीतिक दल में किसी का भी नाम लेकर के बनाई जा रही है, जो हकीकत है उसको तो बयां करना ही पड़ेगा। अगर जे कि बयान नहीं किया जाएगा तो फिर जे कि जनता की लोग समझ कैसे पाएगा। मैं इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा जे कि थोड़ी सी परेशान जे कि हूं, और हम ही नहीं बहुत ऐसे जे कि क्रिएटर्स हैं जिनको जे कि 8 5 6 दिन से जे कि प्रॉब्लम जे कि चल रही है, लेकिन हमारे चैनल पे थोड़ा सा ज्यादा जे कि प्रॉब्लम जे की हो रही है। मैं आप लोग से, दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जे कि एक्टिविटी को बनाए रहें, जैसे कि यूट्यूब टीम को भी समझ में आए कि सही जे कि है या गलत है। अगर राजनीति के
न्यूज रिपोर्टर जे के पॉलिटिक्स में जे के अगर जे के बात नहीं किया जाएगा दूसरे किसी को, अगर कोई बात है जैसे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की बात है, ईवीएम मशीन की बात है, चाहे जे के चुनाव में जे के कौन किसको बोला, कौन गाली गलौज किया, जे के किस नेता ने किस बात पर जे के बहस किया, अगर इस बात को जनता के सामने नहीं रखा जाएगा तो फिर जे के न्यूज रिपोर्टिंग करने से बताने से जे के क्या तात्पर्य जे के फायदा होगा, और यह जे की करने से जे की चैनल पर जे की प्रॉब्लम जे की आ रही है देखने को मिल रहा है। मैं मानू कि बीजेपी के लोग जे इस चीज को कर रहे हैं या यूट्यूब टीम जे की इस तरीके को जे की कर रही है, लेकिन मैं बहुत काफी जे की थोड़ा सा परेशान हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जे की हमारे चैनल को पूरी तरीके से सही कर दें ताकि जे की कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पष्ट रूप से जे की बात कही जा सके, अपनी बात रखी जा सके। आज 5-6 दिन से जी कि मैं इतना डिप्रेशन माहौल लेकर के चल रहा हूँ कि टाइम से वीडियो अपलोडिंग भी जी के करने में दिक्कत हो रही है कि क्या किया जाए, फिर जी कि वह वीडियो लोगों के पास तक जी कि इम्प्रेशन नहीं जाए या जी कि लोग हमारी बात को सुन ना पाए। हमारे चैनल से जी कि काफी लोग जी कि जुड़ करके जी कि इस बात को सुनना समझना चाहते हैं, लेकिन जब यूट्यूब टीम हमारे वीडियो को देखती नहीं इस तरीका से जे कि मैनुअली जे कि उसको जांच करके सही करें तो बात जे कि समझ में जे कि ठीक ठाक रहे। अभी बहुत दिक्कत परेशानी है चैनल्स को लेकर के, मैं यूट्यूब टीम से भी गुजारिश करता हूँ कि सही कर दिया जाए, और मैं दोस्तों आप लोगों से भी जे कि यही बात कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्टिविटी को जे कि बनाए रखें ताकि जे कि ये सब चीजें से निकल करके और अपनी स्पष्ट रूप से जे की बात रखी जा सके, और बात रखने में जे की दिक्कत जे की महसूस हो रही है, क्योंकि अगर किसी का नाम लेकर के न्यूज नहीं बनाया जाएगा तो मान लीजिए कि कोई भी चीज है, जैसे कि आज नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उनको जे की नाम नहीं लेकर के जे की बात कही जाए कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो फिर जे कि लोग कैसे जानेगा कि नरेंद्र मोदी जी आज आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में जे कि क्या बोला, किस योजना का उद्घाटन जे कि हुआ, कैसे जे की बात हुई, क्या हुआ जे कि गलत बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं, इस बात को जे कि नहीं जे कि अगर बात कही जाएगी तो फिर जे कि कैसे जे कि लोगों को समझ में आएगा, उसका विश्लेषण जे कि करना पड़ता है। अगर वही विश्लेषण जी की किया जा रहा है तो फिर जी की समस्या जी की हो रही है, अंधभक्तों को लोगों को जी की दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन ये जी की यूट्यूब चैनल्स को भी जी की प्रॉब्लम जी की हो रहा है, तो बहुत जी की डिप्रेशन वाली जी की बात है। इस पर जी की लोग जो भी हमारे दोस्त हमारे जी की फैमिली से जी की यूट्यूब फैमिली से जुड़े हैं उन लोगों से भी जी की मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक्टिविटी को बनाए रखें, और जी की यह जी की हो सकता है कि जल्द से जल्द इसका जे कि कोई समाधान जे कि हो, और मैं आप लोगों से भी जे कि गुजारिश करता हूँ यूट्यूब टीम से कि भी इस चीज को जल्द से जल्द जे कि सही कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।